हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं पाइपलाइंड आर्किटेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में हमारे पास लेट से 8 इंस्ट्रक्शंस हैं I1 से I8 तक। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया होता है कि लोड इज इक्वल टू 8 इंस्ट्रक्शंस या लोड इज इक्वल टू 10 इंस्ट्रक्शन। लोड का मतलब है कि हमें कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो लेट से हमारे पास 8 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना है। जब हम इनको सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइस है वो कौन सा है, सीपीयू। जब सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की भी हमारे पास यहां पे बात होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी स्टेजेस में से पास होगी तब जाके वो एग्जीक्यूट होगी। अगर हम बात करें यहां पे लेट से हमारे पास 5 स्टेज पाइपलाइनिंग की बात करें, 5 स्टेज पाइपलाइनिंग की, तो 5 स्टेजेस का मतलब है हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक। मतलब ये 5 इंस्ट्रक्शंस, ये जो 5 स्टेजेस हैं, इन 5 स्टेजेस में से इंस्ट्रक्शन पास होगी तब जाके वो क्या होगी, कंप्लीट। और जनरली जो RISC आर्किटेक्चर होता है, RISC, वो 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग के ऊपर ही जनरली काम करता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में 4 स्टेज या 3 स्टेजेस के ऊपर भी दिया होता है, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे आपको पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन पाइपलाइंड आर्किटेक्चर की, तो नॉन पाइपलाइन में अगर हम देखें कि एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अगर एक क्लॉक साइकिल लग रहा है, मतलब एक क्लॉक साइकिल में एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तो एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितनी क्लॉक साइकिल लगेंगी, 5। और हमारे पास प्रोग्राम में कितनी इंस्ट्रक्शन है, 8। तो यानी टोटल जो है वो 40 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है तब जाके मेरा नॉन पाइपलाइंड आर्किटेक्चर इसको सॉल्व कर पाएगा, इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हम इसी पूरे को पाइपलाइंड आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट करें, तो पाइपलाइंड इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो इसको हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं स्पेस टाइम डायग्राम से। स्पेस टाइम भी बोल देते हैं या फेस टाइम डायग्राम भी इसको बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई में हमारे पास स्टेजेस है, S1, S2, S3, S4, S5। ये कौन सी स्टेजेस है, यही स्टेजेस है इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक। हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए हमने ज्यूम किया हुआ है कि एक क्लॉक साइकिल लगेगा। हम यूनिफॉर्म क्लॉक साइकिल की बात करें, कई बार क्वेश्चन में अलग अलग क्लॉक साइकिल भी दिए हो सकते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्मिटी से चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 1 स्टेज 1 को कंप्लीट करेगी। स्टेज 1 मतलब इंस्ट्रक्शन 1 को हमने फेच किया, इस टाइम पे हम कोई भी और काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 1 अभी फेच हुई है, डिकोड और ये वाला काम तो अभी हो ही नहीं सकता, और कोई और इंस्ट्रक्शन इस टाइम पे आई नहीं है। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल की बात करें, दूसरे में इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो कहां चली जाएगी, स्टेज 2 में, मतलब उसको हम डिकोडिंग पे लगा देते हैं, और इसी टाइम पे हमने इंस्ट्रक्शन 2 को फेच कर लिया। यही एक्चुअल में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। पाइपलाइनिंग में हम करते क्या है, हर एक स्टेज जो है वो आपस में कनेक्टेड है, कि जो पहली स्टेज की आउटपुट है वो दूसरी स्टेज में इनपुट चली जाती है, और जैसे ही हमने क्लॉक साइकिल 2 में इंस्ट्रक्शन 1 को डिकोडिंग पे लगा दिया, मतलब ये सेकंड स्टेज पे काम कर रही है, तो स्टेज 1 तो फ्री है ना, तो उस स्टेज पे हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन 2 को डिकोड कर लिया। लेकिन अगर ये नॉन पाइपलाइंड होता तो पहले 5 क्लॉक साइकिल लगते तब जाके एक I1 कंप्लीट होती, फिर 5 लगते I2, फिर 5 लगते I3, तो टोटल हमारे पास 40 क्लॉक साइकिल जो है वो लगते। लेकिन अगर हम पाइपलाइनिंग की बात करें, तो लेट्स सी थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या होगा, I1 यहां पहुंच जाएगी, मतलब स्टेज 3 एग्जीक्यूट में, और उसी टाइम पे I2 हमारे पास फेच में, डिकोडिंग में पहुंच जाएगी, और I3 को हमने क्या कर लिया, फेच कर लिया। देन नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में I1 मेमोरी में, I2 हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है, I3 को हमने डिकोडिंग पे लगा दिया, और I4 जो है वो नई इंस्ट्रक्शन को हमने फेच कर लिया। नेक्स्ट फिफ्थ क्लॉक साइकिल में क्या होगा, I1 को राइट बैक कर रहे हैं उसके आउटपुट को, I2 हमारे पास जो है वो मेमोरी में आ गई, और I3 जो है वो एग्जीक्यूटिंग पे लगा दी, और I4 हमारे पास डिकोड हो रही है, और I5 क्या कर रहे हैं, हम यहां पे फेच कर रहे हैं। तो देखो, जैसे ही हमारा टाइम जो है वो 5 क्लॉक साइकिल पे पहुंचा, तो 5 क्लॉक साइकिल के एंड होते ही,
मतलब विद इन 5 क्लॉक साइकिल हमारे पास I1 जो है वो एग्जीक्यूट होके बाहर आ गई। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में हमने क्या किया, I2 कहां आ जाएगी, I2 यहां पे आ जाएगी और I3 यहां पे, I4 नीचे आ जाएगी, I5 यहां पे आ जाएगी और I6 को हमने फेच कर लिया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये देखो I2 यहां पे जैसे 6 क्लॉक हमारी कंप्लीट हुई I2 हमारी बाहर आ गई, बाहर का मतलब है वो एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट में I3 यहां पे आ गई, I4 यहां आ गई, I5 यहां आ गई, I6 यहां पे आ गई और I7 को हमने क्या कर लिया, फेच कर लिया। और देखो यहां पे I3 हमारे पास क्या आ गई, कंप्लीट हो गई, बाहर आ गई। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में हमने क्या किया, I4 जो कि मेमोरी में आ चुकी थी, मेमोरी उसने रीड कर ली, अब राइट बैक में आ गई, I5 यहां आ गई, I6 यहां आ गई, I7 यहां आ गई और I8 को हमने क्या किया, यहां पे फेच कर लिया। तो हमारे पास 8 इंस्ट्रक्शन थी, तो 8 इंस्ट्रक्शन को हमने फेच कर लिया। नेक्स्ट में क्या होगा, I5 जो है वो यहां पे आ गई, I4 एग्जीक्यूट होके बाहर आ गई, I5 हमारे पास लास्ट स्टेज में आ गई, I6 हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेज में आ गई, I7 यहां पे आ गई और I8 जो कि ऑलरेडी फेच हो चुकी थी अब हमने डिकोडिंग पे लगा दिया, मतलब डिकोडिंग मतलब स्टेज 2 में आ गई। देन I6 हमारे पास यहां पे आ गई, I7 जो है वो यहां पे और I8 जो है वो एग्जीक्यूशन पे मतलब स्टेज 3 में। देन I7 हमारे पास यहां पे लास्ट स्टेज में आ गई और I8 अपनी सेकंड लास्ट स्टेज में आ गई, देन फाइनली I8 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है गाइज, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास n इंस्ट्रक्शंस है टोटल, तो n इंस्ट्रक्शंस में जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन, वो कितना टाइम ले रही है, 1 2 3 4 5, मतलब पहली 5 जो है वो क्लॉक साइकिल लग रही है सिर्फ I1 को बाहर आने के लिए। लेकिन अगर आप उसके बाद देखो, हर एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन बाहर आ रही है। देखो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में I2 बाहर, नेक्स्ट में I3, नेक्स्ट में I4, नेक्स्ट में I5, नेक्स्ट में I6, नेक्स्ट में I7 और नेक्स्ट में I8। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली क्लॉक साइकिल, पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसको कितना टाइम लगेगा, 5 क्लॉक साइकिल, जो किसके बराबर है, नंबर ऑफ स्टेजेस के बराबर है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस दी हुई है k और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास n, तो पहली को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना क्लॉक साइकिल लगेंगे, k मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस, और बाकी n-1 को एक क्लॉक साइकिल लगेगा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल क्लॉक साइकिल कितने हैं, k+n-1, ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है। अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो हमारे पास कितनी स्टेजेस हैं, यहां पे 5 और कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास टोटल, 8। तो देखो 5+8-1 विच इज 7, तो 5+7 इज व्हाट, 12। तो देखो 12 पे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, 12 पे I8 तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि पहली इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है, पहली इंस्ट्रक्शन को टाइम लगता है जितनी आपकी जो पाइपलाइन आर्किटेक्चर में स्टेजेस है, लेकिन उसके बाद सारी की सारी जो n-1 इंस्ट्रक्शंस है वो हर एक क्लॉक साइकिल में बाहर आती जाएगी। और यही पाइपलाइनिंग का जो मेन एम है, पाइपलाइनिंग का जो बेसिक एम वो क्या है, वो है CPI इज इक्विवेलेंट टू 1। CPI मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमें कितनी क्लॉक लग रही है, एक क्लॉक लग रही है। ऑल्दो इस तरीके को इंप्लीमेंट करना मतलब प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंस्ट्रक्शन पे, हर एक क्लॉक साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें, लेट से हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है 1000 इंस्ट्रक्शंस है, तो 1000 इंस्ट्रक्शंस के लिए अगर हमें इसको चलाना हो तो कितना हमारे पास टोटल क्लॉक साइकिल कितने लगेंगे, 5+1000-1 विच इज व्हाट, 999+5 विच इज 1004। तो 1000 इंस्ट्रक्शन है और टोटल क्लॉक साइकिल कितने लगे, 1004। तो आप कह सकते हो विच इज इक्विवेलेंट टू 1 क्लॉक साइकिल, 1 क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। लेकिन
फिर भी हम यहाँ पे थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो थियोरेटिकली हम मान के चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इसको एग्जैक्ट वन के इक्विवेलेंट करना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यही बेसिक एम है पाइपलाइनिंग का कि सीपीआई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट टू वन, मतलब हर एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन बाहर होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के प्लस एन माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितने लगेंगे, के प्लस एन माइनस वन। और अगर क्लॉक साइकिल का टाइम आपको दिया हुआ है, लेट्स से कि क्लॉक साइकिल का टाइम है 1 मिलीसेकंड या 1 माइक्रोसेकंड, तो आप सिंपली उसको यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से टीपी इज द टोटल टाइम, तो यहां पे 12 × TP मतलब एक क्लॉक साइकिल जो है वो 1 मिलीसेकंड की है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 मिलीसेकंड यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पीड अप, नेक्स्ट फार्मूला यहां पे कई बार पूछ लेते हैं स्पीड अप, तो स्पीड अप का फार्मूला यहां पे क्या बन रहा है, स्पीड अप का मतलब है कि अगर हम सेम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं नॉन पाइपलाइंड आर्किटेक्चर में, नॉन पाइपलाइंड और पाइपलाइन में, तो दोनों में क्या टाइम लगेगा। तो नॉन पाइपलाइन में जब हमने किया था तो कितना टाइम लग रहा था हमारे पास, 40 क्लॉक साइकिल, और जब हमने इसको पाइपलाइन में किया तो कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, 12 क्लॉक साइकिल। तो आप कह सकते हो विच इज नियर अबाउट 3 point something, तो मतलब आपकी जो स्पीड अप है वो कितनी है, 3 times, जब हमने पाइपलाइनिंग यूज की तो 3 times होगी नॉन पाइपलाइन से, तो ये हमारे पास स्पीड अप है। एक और फॉर्मूला यहां पे इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से रिलेटेड, एफिशिएंसी या कई बार इसको यूटिलाइजेशन भी बोल देते हैं, एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यहां पे ब्लॉक्स कितने हैं, ये बॉक्सेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे पास 12 × 5 = 60, टोटल हमारे पास कितने हैं, 60 ब्लॉक्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 × 5 कितना हो गया, 60 हमारे पास ब्लॉक्स है। लेकिन इन 60s में से हमने कितने यूज किए हैं, कितने यूज किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 5 stages हैं, तो 8 × 5 = 40, तो यहां पे हमारे पास यूटिलाइजेशन क्या है, 2/3 जो है वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है या एफिशिएंसी आप बोल सकते हो। तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं पाइपलाइनिंग में वो सबसे पहले यही आते हैं कि नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन में स्पीड अप का क्या फर्क है, कितना स्पीड अप है, एफिशिएंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने रिक्वायर्ड है अगर हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं, और पाइपलाइन का एम क्या है, विच इज सीपीआई इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू वन। तो ये मेन पॉइंट्स है पाइपलाइन में। यहां पे स्टेजेस हम 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बढ़ाएंगे हमारा सीपीआई 1 उतना ही ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि जितनी इंस्ट्रक्शंस आपकी ज्यादा होंगी, पहली इंस्ट्रक्शन को बस नंबर ऑफ स्टेजेस के इक्विवेलेंट टाइम लगना है, लेकिन उसके बाद बाकी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक क्लॉक साइकिल में बाहर आती जाएंगी। तो ये था गाइस बेसिक आर्किटेक्चर पाइपलाइन का, और नॉन पाइपलाइन में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।